नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। साल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया, नीलामी हुई और इस नीलामी में दुनिया भर के क्रिकेटरों की बोली लगाई गई। सभी फ्रेंचाइजियों ने अपने फेवरेट और अपने प्लान के अनुसार खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया। उसी में से एक फ्रेंचाइजी दिल्ली की भी थी, जिन्होंने ज्यादातर अच्छे खिलाड़ी खरीदे जो बाद में आरसीबी में चले गए। दिल्ली के वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों को दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपनी टीम में शामिल किया। पर दिल्ली के ही एक युवा खिलाड़ी को ये टीम नहीं खरीद सकी, नाम था विराट कोहली। आखिर क्यों दिल्ली डेयरडेविल्स ने कोहली को नहीं खरीदा, इस बात का खुलासा सुंदर रमन ने किया है। रमन ने बताया कि क्यों दिल्ली डेयरडेविल्स ने प्रदीप सांगवान को खरीदा था पर विराट कोहली को नहीं। उन्होंने कहा कि रोचक बात ये थी कि उसी साल भारत ने अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता था, वो भी ऑक्शन से ठीक एक महीने पहले ही। टीम की कप्तानी विराट कोहली ने की थी। हमने फैसला लिया था कि अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए एक अलग ड्राफ्ट होगा। नीलामी के कुछ दिन बाद अंडर 19 खिलाड़ियों का ड्राफ्ट था। सरप्राइज सरप्राइज, ड्राफ्ट में पहले खिलाड़ी विराट कोहली नहीं थे। दिल्ली डेयरडेविल्स ने प्रदीप सांगवान को खरीदा था क्योंकि उनके पास वीरेंद्र सहवाग और एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज पहले से ही टीम में मौजूद थे, लिहाजा दिल्ली डेयरडेविल्स को गेंदबाजों की ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद आरसीबी ने विराट कोहली को खरीदा और बाकी तो सारा इतिहास है। आपको बता दें, पहले सीजन से ही कोहली आरसीबी के साथ जुड़े हुए हैं। युवा खिलाड़ी के तौर पर वो टीम में आए थे और अब टीम की कप्तानी भी करते हैं। बाकी रनों के मामले में तो कोहली सबसे टॉप पर हैं। हालांकि अब तक आरसीबी को आईपीएल खिताब जिताने में कोहली कामयाब नहीं हो सके, लिहाजा आरसीबी की टीम 3 बार फाइनल में जरूर पहुंची है पर सभी मौकों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।